ओंकारेश्वर नगर में खासगी ट्रस्ट के अधीन ममलेश्वर मंदिर समेत क्षेत्र की संपत्तियों पर अब शासन का आधिपत्य होने जा रहा है। हाई कोर्ट के आदेश पर शनिवार को प्रशासन ने संपत्तियों पर आधिपत्य में लेने की कार्रवाई की। नगर के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। हाई कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने ओंकारेश्वर में खासगी ट्रस्ट की संपत्तियों की भौतिक जांच करना शुरू कर दिया है। इंदौर हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में प्रदेश में अहिल्या देवी खासगी चैरिटी वर्ल्ड ट्रस्ट की 250 से ज्यादा संपत्ति अधिग्रहण करने की कार्रवाई सरकार द्वारा की जा रही है। ओंकारेश्वर में भी खासगी ट्रस्ट की 12 संपत्ति मौजूद है, जिसमें ममलेश्वर मंदिर सहित अन्य संपत्तियों की जांच स्थानीय प्रशासन द्वारा की जा रही है। हाई कोर्ट के आदेश पर कलेक्टर द्वारा SDM पुनासा को निर्देशित किया गया, जिसके बाद शुक्रवार देर शाम से प्रशासनिक दल ने कार्रवाई शुरू कर दी है। SDM चंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि अहिल्या देवी चैरिटेबल खासगी ट्रस्ट की 12 संपत्तियों को विधिवत कब्जे में लेने का कार्य शुरू किया जा चुका है, जिसमें तहसीलदार उदय मंडलोई, CMO ओंकारेश्वर राजस्व अमला सूची के अनुसार कार्रवाई में जुटा हुआ है। SDM सोलंकी ने बताया कि देर रात तक आधी संपत्ति अधिग्रहण कर ली है, आधी शनिवार दोपहर तक कर ली गई है। जो संपत्तियां बिक चुकी है उसकी सूची बनाकर कलेक्टर को प्रेषित की जाएगी। आगे कार्रवाई कलेक्टर के निर्देशानुसार की जाएगी। उच्चतम माननीय उच्चतम न्यायालय खंडपीठ इंदौर के याचिकाओं में जो खासगी ट्रस्ट भूतपूर्व राज्य अहिल्या ट्रस्ट खासगी ट्रस्ट बना हुआ था, उसके संपूर्ण संपत्तियां मध्य प्रदेश शासन की मान ली गई है। उसी के अंतर्गत में ओंकारेश्वर क्षेत्र में भी कुल 12 संपत्तियां है। आज हमने सभी 12 संपत्तियों को मौके पर भौतिक सत्यापन कर लिया गया, वीडियोग्राफिक कर ली गई है और मौके पर उनका मध्य प्रदेश शासन के पक्ष में अधिपत्य ले लिया गया है। जो वर्तमान में सभी मध्य प्रदेश शासन की, उनको बता दिया कि ये हाई कोर्ट के आदेश से संपूर्ण संपत्तियां मध्य प्रदेश शासन की हो चुकी है। तो वरिष्ठ के आदेश जो भी आज हमको संपत्तियों को अधिपत्य में लेने का जो निर्देश प्राप्त हुआ था उसी की कार्य। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार ओंकारेश्वर में खासगी ट्रस्ट की शिवपुरी, विष्णुपुरी और ब्रह्मपुरी में 12 संपत्ति दर्ज है, जिसमें प्राचीन ममलेश्वर मंदिर भी शामिल है। इसके साथ महानिर्वाणी पंचायती अखाड़े के विष्णु मंदिर परिसर से लगे अहिल्या देवी खासगी चैरिटेबल ट्रस्ट का बंगला, जो कई वर्ष पूर्व इटली के विदेशी नागरिक को अहिल्या देवी चैरिटेबल खासगी ट्रस्ट द्वारा बेच दिया गया था, के साथ मैनेजर के रहने का स्थान सम्मिलित है। शिवपुरी क्षेत्र में ट्रस्ट की जो संपत्तियां हैं उनमें नगाड़ खाना के साथ साक्षी गणपति मंदिर, खरियाल खाना, नंदीगढ़ की देरी, मारुति मंदिर शामिल है, जिस पर ओंकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट का कब्जा विगत कई वर्षों से है। इसके साथ ही नए बस स्टैंड से कुछ दूरी पर प्राचीन तालाब, जिस पर कब्जा हो चुका है, तथा भोगावा सनावद मार्ग पर स्थित गंगा बावड़ी सहित अन्य संपत्ति शामिल है। इंदौर खंडपीठ उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार देवी अहिल्या खासगी ट्रस्ट के द्वारा जो संपत्तियां यहां पर संजोई गई थी और जो विक्रय की गई थी, वे 12 संपत्तियां चिन्हित की गई हैं, जिन पर जिला प्रशासन की टीम के साथ नगर परिषद की टीम लगी हुई है और उनका सीमांकन करके उनको कब्जे में लिया जा रहा है। शुक्रवार शाम से शुरू हुई कार्रवाई से तीर्थ नगरी में हड़कंप मच गया है। ओंकारेश्वर से जयप्रकाश पुरोहित की रिपोर्ट।